कोरोना महामारी के रोज बढ़ते संक्रमित लोगों के बढ़ते आंकड़ों की डरावनी खबरों के बीच आज धार जिले में पुनः सुखद खबर आई है, जिसमें आज 14 लोगों को कोरोना महामारी से विजेता घोषित कर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अभी तक जिले में 74 कोरोना मरीजों में से 12 मरीजों को पहले स्वस्थ घोषित कर डिस्चार्ज कर दिया गया था एवं 14 मरीजों को आज स्वस्थ घोषित कर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते जिले में एक मरीज के उपचार के दौरान मौत भी हो चुकी है तथा उन 50 मरीजों का अभी भी उपचार जारी है, जिनमें से करीब 12 मरीजों की फर्स्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है तथा दूसरी रिपोर्ट आज रात तक आने की संभावना है। डिस्चार्ज हुए मरीजों का आज कलेक्टर, एसपी और जिला चिकित्सालय के आला अधिकारियों की मौजूदगी में सैनिटाइज कर महाजन अस्पताल धार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रवाना किया गया। इस दौरान मौजूद अधिकारियों ने तालियां बजाकर उन्हें गुलदस्ते भेंट कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में निजी संस्थाओं से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। वहीं कलेक्टर श्रीकांत बनोट ने बताया कि कोरोना संक्रमण मामले में सभी मरीजों को धार के चयनित चिकित्सालयों में ही उपचार चल रहा है तथा सारी उपचार संबंधी सुविधाएं मौजूद है, किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रखी जा रही है तथा हमें विश्वास है जल्द ही बाकी के लोग भी स्वस्थ होकर अपने घर लौटेंगे। देखिए, अभी तक धार जिले में 76 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें से 12 पॉजिटिव केसेस पहले ही स्वस्थ होके डिस्चार्ज हो गए थे। आज 14 और केसेस स्वस्थ होके डिस्चार्ज हो गए हैं। कुल 26 केसेस हमारे डिस्चार्ज हो गए। आप जानते हैं कि एक की डेथ भी हो गई है। ऐसे करके कुल 49 केसेस हमारे आज की तारीख में एक्टिव केसेस हैं और उन एक्टिव में से 5 हमारे केसेस हैं जो कि लोगों को कोमॉर्बिडिटी की कंडीशंस भी है, लेकिन आज की तारीख में वो सब स्वस्थ है। इनमें से भी 49 में से लगभग 12 लोगों का फर्स्ट जो रीसैम्पल है वो नेगेटिव आया है और सेकेंडरी सैम्पल आज हम लोग भेज रहे हैं, तो शायद 2-3 दिन में वो भी आ जाएगा नेगेटिव, तो उनके भी डिस्चार्ज करने की स्थिति में रहेंगे। तो ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जितने भी केसेस हैं सभी एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस हैं, तो हमारे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जितने भी चलना चाहिए सख्ती से हमारे डॉक्टर्स वो सारे फॉलो कर रहे हैं, और इसी चाहे ऑक्सीजन थेरेपी हो, जितने भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ देते हों, या कोविड के लिए जो क्लिनिकल मैनेजमेंट में जो गाइडेंस उनको मिला है उसके अनुसार सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। आयुष डिपार्टमेंट भी हमारा लगा हुआ है और जो भी उनको मेनू है, जो चिरायु में मेनू मिलता है जो काफ़ी अच्छा बताया जाता है, तो वही हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो इस कारण से लोग